टिकटॉक पर ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही वीडियोस चलाने वाला ट्रैफिक वार्डन वायरल। 14 लाख फॉलोअर्स के साथ मशहूर टिकटॉक स्टार बन गया और अब टिकटॉक से लाखों रुपए भी कमाता है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं वकार यूनस। नाजरीन, आज मेरे साथ फैसलाबाद के वार्डन पुलिस अरसलान गुजर मौजूद है, जो कि मशहूर टिकटॉकर भी हैं और टिकटॉक पर इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और ये गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और टिकटॉक से भी पैसा कमाते हैं। तो आइए इनसे जो है ना बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अब हम आपको अरसलान गुजर वार्डन वाला कहें या अरसलान गुजर टिकटॉकर कहें? ये वार्डन वाला कह ले। अच्छा वार्डन वाला कह ले। अच्छा मुझे बताइएगा अरसलान भाई, कब से टिकटॉक बना रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल? कब शुरू किया था, किस मंथ में? एग्जैक्ट नहीं पता, ट्रेनिंग से आया था वापस। छोटे भाई वीडियो बनाते थे तो उनको देख के बस शौक चढ़ गया टिकटॉक बनाने का। मेरा ख्याल मार्च का महीना था। यानी कि आप यहाँ वार्डन पुलिस में आने से पहले से बना रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे 6 साल हो गए ज्वाइनिंग किए हुए ना। ट्रेनिंग बाद में हुई है? ट्रेनिंग मेरी बाद में हुई थी। सही। अच्छा मुझे बताएं कि अब आपके टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर हैं। वाह यार ज़बरदस्त, तकरीबन 13 लाख फॉलोअर्स हैं। तो ये 13 लाख फॉलोअर्स अचीव करने में कितनी मेहनत लगी है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। 2 साल लग गए हैं। तो किस तरह की वीडियोस बनाते हैं और कैसे कैसे अपलोड करते हैं? मेरी या ये तो रोड अवेयरनेस के बारे में होती है वीडियोस, या भाइयों के कंटेंट पे फैमिली रिलेटिव ज़्यादा होती हैं वीडियो मेरी ना, भाइयों के साथ खेलना और उनके साथ शरारतें करना, वैसी वीडियो मैं ज़्यादा अपलोड करता हूँ। फैमिली कंटेंट है? जी जी बिल्कुल। नाच गाना भी होता है? नहीं नाच गाना नहीं आता यार, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो है ना टिकटॉक पर नाच गाने फेमस हैं। नहीं मुझे नहीं नाचना आता है ना। लेकिन सॉन्ग्स वगैरह तो चलते हैं ना? हाँ सॉन्ग के ऊपर लिपसिंग कर लेते हैं। अच्छा अरसलान भाई मुझे ये बताइएगा कि आपके माशाल्लाह 1.4 मिलियन जो है ना वो टिकटॉक पर फॉलोअर्स हो गए हैं, तो किस तरह के फैंस मिलते हैं जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं? फैंस मिलते हैं आकर के, यार आपकी तो हमने वो वीडियोज़ देखते हैं टिकटॉक पर। जब चलान कहते होते हैं ना लोगों को, फिर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। कहते हैं चलान माफ़ कर दो जी, इससे फैन आप बहुत सारे। अच्छा किस तरह के फैंस हैं, कोई फीमेल फैंस भी मिलती हैं? हर कोई मिलता है। कुछ शादी के लिए भी प्रपोज किया है किसी ने, किसी फीमेल ने, कि यार माशाल्लाह लड़का टिकटॉक पर भी मशहूर है, वार्डन में भी लगा हुआ है, अच्छे खासे पैसे भी कमाता है, तो शादी का कोई प्रपोज आया? नहीं काफ़ी प्रपोजल आए थे लेकिन नहीं। किसी को एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं सारे अच्छे हैं, सबको तो नहीं है ना एक्सेप्ट किया जाता। अच्छा असलम भाई मुझे ये बताइएगा कि महकमे की तरफ से नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन आती कि आप जो है ना ड्यूटी कर रहे हैं और साथ टिकटॉक भी बना रहे हैं, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है? नहीं ड्यूटी टाइम मैं टिकटॉक कम भी बनाता हूँ, मोस्टली मेरी वीडियो जो है वो घर के अंदर ही होती हैं भाइयों के साथ है ना, अगर ड्यूटी पे वीडियो बनाऊँ तो वो ड्यूटी के रिलेटेड होती है वीडियो, कि कोई अवेयरनेस दे रहा, हेलमेट की अवेयरनेस होगी या मोबाइल फ़ोन को यूज़ करा उसको रोक के कहना कि मोबाइल यूज़ नहीं करना, कि लोगों को जिससे अवेयरनेस मिले वैसी वीडियो बनाता हूँ। और महकमा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हमारे CDO साहब बहुत अच्छे हैं और वो कोऑपरेट हैं, काफ़ी करते हैं। यानी कि आप जो है ना इसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक का अवेयरनेस फैला रहे हैं इसके ज़रिए? हाँ जी हाँ जी पॉजिटिव यूज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरसलान भाई टिकटॉक का फ़ायदा क्या है, आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन में वीडियोस लगाते हैं, बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं सारा कुछ, तो इतनी मेहनत का कोई फल भी मिलता है? जी जी मिलता है। फल मिलता है तो यूज़ कर रहे हैं टिकटॉक। किस तरह का फल मिल रहा है, सिर्फ फेम ही मिलता है या पैसा भी मिलता है? नहीं फेम के साथ अर्निंग भी होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। ये तो आपने बहुत काम की बात बताई है, हमारे व्यूवर्स को बता देंगे टिकटॉक से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? अगर तो फॉलोअर्स ज़्यादा ना हो तो लाइव बैठ कर अर्निंग करते हैं। हाँ जितना ज़्यादा आप बैठेंगे लाइव, जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी आपके पास। और इसके अलावा? इसके अलावा मोनेटाइज भी आजकल हो रहा है, जो यूरोप के अकाउंट है ना टिकटॉक के, वो मोनेटाइज होते हैं, लेकिन उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा है, एम का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इसके अलावा कोई प्रमोशन के ज़रिए से भी पैसा कमाया जा सकता है? नहीं वो तो प्रमोशन जो होती है हर ब्रांड ने करवानी होती है और करवाते भी हैं और वहाँ से पैसे आते हैं। अच्छा कोई ब्रांड अगर आपसे कोई प्रमोशन करवाना चाहता है तो कितने पैसे चार्ज करते हैं? मेरा 50 के होता है। 50,000 जो है ना एक
किसी ब्रांड की प्रमोशन करने के। क्या बात है यार, आप तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। आप जो है ना वार्डन पुलिस से भी तनख्वाह ले रहे हैं, टिकटॉक से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, क्या करते हैं इन पैसों का? क्या करता है अपने आप पे लगाता हूँ, अपनी फैमिली पे लगाता हूँ। तो कोई लिया है, गाड़ी शाड़ी ली है, घर वगैरह बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है क्या बात है। अच्छा सलमान भाई, लास्ट पर जो है ना, आप हमारे व्यूवर्स को कोई टिकटॉक के मुतालिक कोई पैगाम देना चाहें, इसके पॉजिटिव यूज़ के मुतालिक या वार्डन पुलिस के मुतालिक? टिकटॉक के बारे में यही कि इसका पॉजिटिव यूज़ करें, भाइयों के साथ मिलजुल के रहें और वालदेन की इज्जत करें। सबसे पहले आपके रिश्तेदार हैं, उसके बाद दूसरे दोस्त हैं और दूसरे साथी हैं। क्योंकि अगर कोई आपके साथ कोई मुसीबत का वक्त आया है, जिन्होंने औखा टाइम आया, तो सब तो पहले तुहाडे ना भाई, तुहाडे वालदेन तुहाडे नाल खड़े होंदे ने। तो जिहड़े मर्द हज़रात मैरिड ने जिन्हें शादी हुई है, उन्होंने बीवी जी अपनी बीवियों का ख्याल रख वो भी ख्याल रखना बीवियों का, बीवियाँ बार बार नहीं मिलती। सही है। तो वार्डन पुलिस के हवाले ना तुम कोई पैगाम देना चाहो? यही कि ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में आपको इलम होना चाहिए कि इशारा ब्रेक नहीं करना चाहिए, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, हेलमेट ज़रूरी पहने, क्योंकि हेलमेट का चलान जो है वो 2000 कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो और इसके अलावा वन वे ना आए, वन वे से तो बहुत ज़्यादा हादसा और रोनमा होते हैं, तो वन वे का भी 2000 का चलाना, उससे ही बचें जी। ठीक है अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।